गाइस मेरे पीछे है एक करोड़पति का घर और इतना महंगा घर या तो मैंने फिल्मों में देखा है या फिर सपने में। तो इसलिए आज की वीडियो में मैं जाऊंगी अमीरों के घर और मांगूंगी उनसे उनके घर का हाउस टूर और देखना ये है कि क्या मुझे हाउस टूर मिल पाएगा या नहीं। गाइस ये है दिल्ली का सबसे रईस इलाका वसंत विहार। भाई यहाँ पर एक घर की कीमत भी ना 20 से 30 करोड़ के बीच में है, ज्यादा ही होगी, इससे कम नहीं होगी। और सच बताऊँ ना, इतने महंगे घर ना मैंने सच में बाहर से देखे हैं। अगर आज मेरी किस्मत अच्छी हुई तो हो सकता है कि अंदर से भी देखने को मिल जाए। आ जाओ चलते अपने पहले घर। भैया एक चीज पूछूं? बोलो। यहाँ पर एक घर की कीमत कितनी होगी? 7 लाख रुपए तो रेंट ये दे रहे हैं। 7 लाख रुपए रेंट है यहाँ पे? और अगर खरीदना हो तो एक घर की कीमत कितनी होगी? 26 करोड़ का फर्स्ट फ्लोर बिका। 26 करोड़ का सिर्फ फ्लोर बिका है? फर्स्ट फ्लोर ही है। और ये पूरी बिल्डिंग? अब आप देख लो, वो सामने लाल वाली दिखाई दे रही है। हाँ। वो सामने अमिताभ बच्चन की कोठी है, मैट पड़ा हुआ। हाँ। वो संजय दत्त की कोठी है, गाड़ी खड़ी है। हाँ। वो सुरेश रैना की कोठी है। सुरेश रैना की कोठी है। अगर यकीन नहीं आ रहा तो मैं फोटो दिखा देता हूँ। नहीं, 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 आपकी बात पे हमें यकीन नहीं, 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 एक सेकंड, आपको यकीन नहीं आएगा। ओके, वॉलपेपर पे वाइफ है। इसका बर्थडे था ना। हैप्पी बर्थडे टू हिज वाइफ। काफी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं भैया। ये सुबह मॉर्निंग है, कल मॉर्निंग की है। गाइज ये रही जो भैया बता रहे, सामने सुरेश रैना की कोठी है और भैया ने प्रूफ के तौर पे हमें फोटो भी दिखा दिया है। और दिखाना भैया, बीवी का फोटो बहुत रखते हो। क्या करें, मानो रखना पड़ता। धर्मेंद्र की कोठी है कि धर्मेंद्र की लड़की होगी इस टाइम। अब टाइम कितना हो रहा है, 3 बजे के? हाँ, अभी पार्क में होगी। बिल्डिंग में रहता है कोई? हमने ना इतने महंगे घर सिर्फ बाहर से देखे हैं, हमें अंदर से भी देखने हैं। तो कोई नहीं है, कोई है ही नहीं पूरी बिल्डिंग में? है ही नहीं कोई। इतना बड़ा घर बना के अगर खाली रखना है तो फिर क्यों बनाया है? घर में रहना तो चाहिए। हम पागल हैं क्या? इतनी टंडे कैमरा लेके घूम रहे हैं, टाइम बर्बाद करवाते हैं अमीर लोग बहुत गरीबों का। क्या भैया? अंकल, अंकल को? अरे रह नहीं रहे क्या, बना के छोड़ देते हो क्या? अरे बताओ, इतना महंगा घर घंटी नहीं बज रही। अरे गार्ड अंकल, अंकल गार्ड। अरे गार्ड अंकल, नहीं है यार। अगला घर आपको पता है हम क्या कर रहे हैं? वीडियो बना रही है? नहीं, सच बताऊं ईमानदारी से, हमने कभी लात नहीं खाई बहुत अमीर लोगों से, तो आज हम लात खाने निकले। घर में कोई है? घर में मालिक मतलब ये घर है ना, तो इस घर में कोई मालिक वाली है? कोई मैडम है, स्लीपिंग टाइम है पर अभी। तुम्हें कैसे पता मैडम का स्लीपिंग टाइम है? तुम्हें कैसे पता? तुम्हें कैसे पता? तुम्हें कैसे पता? मैंने तो कुछ बोला ही। भैया ये जो बिल्डिंग है इसमें कोई है? सारे हैं। तो मुझे हाउस टूर चाहिए था, कुछ हो सकता है क्या? नीचे भी तो बुलाना पड़ेगा, उनको बताना भी तो पड़ेगा कौन आया है। बता दो यार, हमारी मदद हो जाएगी। सागर है पीछे? सागर है पीछे, बुलाओ। ओनर क्या करते हैं? डिटेल नहीं दे सकते ना। सारे रेंटेबल घर हैं इस ऊपर ना। हाँ। और इनकी सिक्योरिटी का मसला आपको पता है, तो ऐसे कैसे एंट्रेंस दे देंगे मैम? हमने इतने अच्छे लग्जरी वाले घर बाहर से देखे हैं, हमें देखना है ये घर अंदर से कैसे होते हैं। आप हमारे साथ मजाक कर रहे हो क्या? नहीं नहीं, यू कांट जस्ट वॉक इनटू एनीबॉडीज हाउस। यस यस यस, सो दैट इज ओके। इवेंचुअली यू हैव टू गो फिजिकली अपस्टेयर्स इफ समबडी अलाउज यू। ओके ओके, डन, नो प्रॉब्लम। अंकल ने बोला बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बोला, पर मुझे इंग्लिश इतनी आती नहीं, पर मुझे ये समझ में आ गया कि अंकल ने मुझे इंग्लिश भाषा में मना किया है कि नहीं आप नहीं देख सकते। सब बढ़िया? बस नमस्ते। नमस्ते। आज हम घर देख रहे हैं। अच्छा। हाँ। यहीं आसपास? अच्छा। खरीदने के लिए नहीं, अंदर से देखना चाह रहे हैं। हमें देख रहा है कि ये जो अमीरों के घर होते हैं ये अंदर से कैसे दिखते हैं। बहुत अच्छा है। तुम गए हो? हाँ, हमें भी ले चलो। हम केयर टेकर हैं यहाँ काम पूरा। केयर टेकर हो तुम? अरे सुनो मेरी बात, हाउस टूर चाहिए, मिल सकता है क्या? नहीं नहीं नहीं, दूसरे किसी का अलाउ नहीं है।
पता बेइज्जती होनी ना सबसे कराओ। इतनी ना सुनने के बाद मेरी क्यूरियोसिटी और बढ़ गई थी कि भाई ऐसा क्या है इन घरों के अंदर। अब तो मैंने भी ठान लिया कि हाउस टूर तो मैं लेके रहूंगा। मिस्टर अंकल जी ऑनर है? ऑनर है। मेरी बड़ी दिली इच्छा थी कि मुझे ये देखना कि ये घर अंदर से कैसे दिखते हैं। हम कौन सा अंदर गए? अंदर मालिक को पता होगा कौन सा घर कैसा। आप भी अंदर नहीं गए? ना। एक बार भी नहीं? ना। तो हम ऐसे बैल बुला के मालिक को बुला नहीं सकते ना। कि घर दिखा दो? मालिक इस टाइम सो रहा होगा। सबके मालिक सो ही रहे हैं यार। मालिक सोता है तो पैसा कहाँ से आ रहा है घर खरीदने का? क्या फायदा इतने पैसे का है जब हम इनका घर अंदर से भी नहीं देख सकते। सही बात है ना? बस सही। इतना पैसा कमा के भी क्या ही करना जब आप अपने घर नहीं दिखा सकते, किसी को घर में नहीं बुला सकते, चाय पानी नहीं पूछ सकते। पता है सुबह से घर ढूंढ रही हूँ कि कोई अपना घर दिखा दे अंदर से। सबने भगा दिया। कोई नहीं दिखाएगा। तुम्हारा होता तो तुम दिखा देते। हमारा होता तो दिखा देते। दिखा दे। अरे यार एक दिन आपका जरूर होगा, ये मेरी दुआ है आपसे। आपका भी होगा। ये भी नहीं दिखाते मैं बता रही तुझे। आप कैमरे को बंद कर। कैमरा बंद नहीं होगा, मेरे को नहीं था अपनी आंख। कैसे बंद कर लूं? मुझे नहीं लेना घर। बढ़िया। राम राम। ऐसे हंसते खेलते रहो, मना तो तुम भी कर दोगे इसलिए नहीं पूछ रही। अरे जा रही हूँ यार। हेलो। आप कौन? एक्चुअली मेरा नाम निशु है और मैं एक यूट्यूबर हूँ। तो मुझे ना हाउस टूर चाहिए था, मतलब मैंने घर ना बाहर से देखे, मुझे अंदर से देखना था। तो आपका हाउस टूर मिल सकता है क्या? हेलो यार चंदा मांगने वाली नहीं हूँ यार। गाइस वसंत विहार का ये ब्लॉक मैंने पूरा घूम लिया, सबने रिजेक्ट कर दिया हमको। अब हम जा रहे हैं अपना ब्लॉक चेंज करने यार। गाइस ये घर है किसी मिश्रा जी का। हेलो। हेलो हाँ बोलो। सर मैं आपका घर अंदर से देख सकती हूँ क्या? नहीं। चिल्ला क्यों रहे हो यार? इसलिए मुझे डांटा कैसे? तो डांट क्यों रहे हो? हैं? गया? मेरे को ये घर अंदर से देखना है, मैं देख सकती हूँ क्यों? मेरे को मेरा सपना था कि मैं एक दिन ऐसा घर अंदर से देख सकूं। गाइस ये जो सामने घर है, सॉरी घर नहीं कोठी है, और बंगला जो भी बना हुआ है बहुत शानदार है। इसके तो घर के बाहर भी जैगवार खड़ी है। मैंने जैगवार टच कर ली। गाइस ये शायद ना डॉक्टर का घर है, तो उन्होंने अपने क्लिनिक भी बना रखा। तो भाई मरीज आते होंगे, अगर सीधा सीधा दिखा दिया वरना बोलेंगे मेरे पेट में दर्द हो, मैं दवाई चाहिए घर में ले लो। नानी कैसे पता चलेगा बजरी नहीं बजरी? कोई है क्या? हेलो कोई है? हमने ऐसे घर ना बाहर से ही देखे, हमें अंदर से देखना था। मैडम को बुलाना पड़ेगा। आप मैडम नहीं हो? नहीं। मैडम कौन है फिर? मेरी मैम से बात करा दो। मैडम हेलो मैम। संचा बोल रही है? नहीं मैं निशु बात कर रही हूँ। हाँ बोलिए। मैम एक्चुअली मैं ना एक यूट्यूबर हूँ और नहीं नहीं मैम अभी हमारे फैमिली इमरजेंसी है, प्लीज यू कैन नॉट कॉल लाइक द सेट इन द। ओके 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 इट्स ओके। जैगवार भी ठीक ही है, नीला कनेर कौन लेता है जैगवार में। अरे कोई अपना घर हमें अंदर से दिखा क्यों नहीं रहा? अब तो ड्राइवर है यहाँ पे। ड्राइवर हुआ लग तो मालिक रहता। मालिक ही बना लो आप हमें। मैंने इतने अमीर घर बाहर से देखे, मुझे अंदर से देखने घर कैसे होते हैं। मेरा घर देखना है वसंत गांव, चलिए जी भर के मेरा घर देखिए पूरा मकान। ये बेचारे इतने भले अपना घर दिखाने के लिए तैयार है पर ये घर नहीं दिखा सकते। अरे भाई कोई तो अपना घर दिखा दो। इस घर में कोई है? है मालिक है? फिर कौन है? गेस्ट रहते हैं।
और क्या है बोलिए ना। हमें ये घर अंदर से देखना था, देख सकते हैं? काय के लिए देखना है? मेरी इच्छा है। और ये हमें पूछना पड़ेगा ऑर्डर? पूछो। अरे पूछो। अरे बड़े भैया, मेरा सपना है, माँ के पेट से सपना था कि एक दिन ये घर देख सकूं। देखने ही नहीं देंगे? पहले कोशिश तो करो, मना होगी तो वापस चले जाएंगे। पूछ रहे नहीं, ऐसे ही आए हैं। ऐसे नहीं आए, लोग करते हैं यार। घूमते घूमते? अरे घूमते घूमते नहीं आए हैं, बोलो बड़े यूट्यूबर है, बड़ी गाड़ी से आए हैं, फॉर्च्यूनर। ठीक, मना कर रहे ना, पहले ही बोला मना कर रहे हैं। होता है कि यार इन्वेस्टमेंट दिया है, स्टेशन तो नहीं है हमारे, बुलाए हैं तो अलग बात है। तो किसी का सपना है तो नहीं देख सकता क्या? ठीक है, इतना बढ़िया भी नहीं है। इंस्टाग्राम पर रील नहीं बना रहे हम, हम एक बहुत बड़ी खोज पे निकले हैं। खोज ये है कि ये जो इतने करोड़ों के घर बने हुए हैं, हमें अंदर से देखने कि अंदर से कैसे दिखते हैं। देख लो चल के दिखा दो, तुम्हारे है कोई जान में? मेरे तो एक नीचे ऑफिस है। ऑफिस है तो दिखा सकते हो कि ये घर अंदर से कैसे दिखते हैं? परमिशन लेके दिखवा दूंगा, मेरे को क्या दिक्कत है। हाँ तो परमिशन लो, फिर बात करो। कर लेता हूँ बात। करो। हाँ कर तो चला जा, मैं जाके फिर बताता हूँ आपको। नहीं हम भी चलेंगे साथ में। ऐसे कैसे ले जा सकता हूँ बताओ, मतलब घर कहाँ पे है? ये घर नहीं है, नीचे ऑफिस है। घर नहीं है? नहीं घर है, घर ऊपर लोग रह रहे हैं, उसमें मैं काम नहीं करता, मैं ऑफिस में काम करता हूँ। हाँ, तो परमिशन लेके आओगे? मैं परमिशन लेके जाओ, जल्दी आओ, भाग के जाओ, पूछ के भाग के जाओ, भाग के आना। ऑफिस में मीटिंग चल रही है, मना कर दिया गया, ऐसा नहीं, मतलब बताया था मैं, कहा वो अंदर देखना चाहते हैं ऑफिस, तो मतलब मना कर दिया। ऑफिस नहीं घर देखना, तो मतलब मैं तो ऑफिस में काम करता हूँ ना। तुमने अंदर जाके बोला क्या? मुझे बस ये जानना है। मैंने बोला मैं का एक यूट्यूबर आया है और मतलब ऑफिस देखना चाहता हूँ, उन्होंने वो कह रहे थे दिखाने के लिए, पर उन्होंने ये बोल दिया कि अभी मीटिंग चल रही है। इन्हें अंदर जाके बोला कि यूट्यूबर है, उन्हें ऑफिस देखना, पर हमें तो घर देखना था। पर मैं तो ऑफिस में काम करता हूँ ना। पर हमें तो घर देखना है, ऑफिस थोड़ी देखना। घर देख रहा था, किसी से बात करनी। भाई कितना बेवकूफ बना के गए हो हमारा। मैं ऑफिस में काम करता हूँ। अबे ये बहन का, ये जहाँ दिख जाता है ना मेरे को गुस्सा हो रहा था भाई। ये कोई कैफे है क्या? नहीं घर है ना, हमें ये घर अंदर से देखना था। तो ये गार्डन वार्डन देख लें? तो गार्डन तो बनाया ही देखने के लिए। नहीं मुझे खाना नहीं है भैया। ये देखो यहाँ इनकी चिट्ठी विट्ठी रखते हैं, पौधे ही पौधे, बैठने के लिए वो बना रखा है कैफे जैसा पूरा। तो अंदर बावर्ची भी है क्या? कितने नौकर होंगे अंदर? पांच लोग तो ऐसे ही बाहर के घूम रहे हैं, एक और चला जाएगा तो क्या ही हो जाएगा। डस्टिंग अच्छी कर लेती हूँ मैं, बात करके देख लो मालिक से। सुबह आना सर। गाइस ये इतनी महंगी, इतनी अमीरों की कोठी है कि यहाँ पर वो नहीं होता जो बुरी नजर के लिए बाहर वो मुखौटा सा लगाते हैं, लोग लगाते हैं अपना, वो काले रंग का, इन्होंने अपना सोने का लगा रखा है यार। मैं चढ़ सकती तो पहले यही निकाल के ले जाती, घर बाद में देखती। दिन खत्म हो गया था पर मेरा टारगेट नहीं, इसलिए अगले दिन नहा धो के मैं फिर पहुंच गई। गाइस आज है हमारा डे टू और आज हम आए हैं दिल्ली के एक और पोश एरिया में और वो है ग्रेटर कैलाश। यहाँ पे भी हम घर घर जाने वाले और हाउस टूर मांगने वाले हैं, पर अगर आज भी हमें नहीं मिला ना, रुकेंगे नहीं जब तक हाउस टूर नहीं मिलेगा। हाउस टूर तो लेके रहूंगी मैं। मेरे सामने एक बहुत खूबसूरत सी कोठी बनी हुई है, वहां जा रही हूँ। दीदी हम अंदर से घर देख सकते हैं क्या? पूछ के बताना पड़ेगा। पूछ के आ जाओ, हम लोग खड़े, हम इंतजार कर लेंगे। वो तो दिख रहा है। नमस्ते आंटी, मुझे ना घर देखना था कि अंदर से कैसा। अंदर से तो मैं नहीं दिखा सकती बेटा, बच्चे कोई घर में नहीं है, बाहर से आप देख सकते हो। बाहर से देख लेते हैं। सिटिंग एरिया देखो, पौधे वगैरह लगे हुए हैं, यहाँ पे अपनी पार्किंग है, छोटा सा मिनी गार्डन बना हुआ है, ठंड के मौसम में आप धूप सेक सकते हो। तो गाइज हमने बाहर बाहर से देख लिया बट अंदर से आंटी कह रही है थोड़ा सा प्राइवेसी है। आ जाओ। थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच, आपने यहाँ तक तो बुलाया कम से कम। गाइज आंटी ने मुझे इतने प्यार से अंदर तक बुला लिया, अंत तो मैंने 3 मिनट तक जो समझ में आया बोला है नॉन स्टॉप। ये पत्ते देख लो, झाड़ी देख लो। मैंने कहा अगर आप कुछ नहीं बोलूंगी तो आंटी कहेगी ये पक्का कुछ लूटने आई है। आंटी सही बढ़िया हो? हम बोल रहे हैं हमें अंदर से घर दिखा दो, कोई घर नहीं दिखा रहा, क्या करो? ऑपरेशन होकर निकल गए, फोटो खींच रही है।
आप यहीं पे काम करते हो क्या? हमें ना घर देखना था अंदर से कैसा दिखता है। अब साहब लोग बोलेंगे तब तो हम बैल बजा के बुला ले साहब को। सीरियस हैं क्या साहब? अब क्या बताएं? हाँ मेरे सर पे कुछ गिर गया। पंची भी कह रहे हैं यहाँ के हम भी हग रहे हैं तुम पे, तो मालिक तो क्या ही कोठी दिखाई है। अरे साफ करो यार। ऐसी बीन बजाओ ये सारी कोठियों के मालिक बाहर निकल के आ जाए और फिर ये अपना घर दिखा देंगे। बजा सकते हो ऐसी बीन? क्या इनकी मर्जी है, देखो निकलना ना निकलना तो इनकी मर्जी। बजाओ ना, आप तो बजाओ पहले। हमारे इलाके में कोई ऐसे आता था बीन बीन बजाने वाला, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता था। ये अमीर बाहर नहीं निकलती क्या घर से? कोई आया है बीन बजा रहा है, कोई आया है जिसे घर देखना है। कोई नहीं आएगा अंकल? या सब्जी लेने ऐसे बाहर नहीं आते तो बेच क्यों रहे हो? कभी कभी आते हैं। तो जब आपको पता है कि नहीं आते खरीदने तो क्यों बेच रहे हो यहाँ? का दुक्का ग्राहक मिलता है तो इससे अच्छा तो रोड पे खड़े हो ना, कम से कम ज्यादा तो बिके। चीकू ले लूं? कोई तो घर मिलेगा जो मुझे अंदर बुलाएगा, कहेगा कि यार ले लो हाउस टूर। कोई है क्या अंदर? तो अगर हमें अंदर से घर देखना हो तो हम देख सकते हैं? नहीं नहीं ऐसे थोड़ी है, यहाँ खड़े नहीं रह सकते। खड़े भी नहीं रह सकते? किसी सेलिब्रिटी का घर है क्या? किसका? ऐसे थोड़ी बताऊंगा हर चीज उधर करूंगा। चलो भाई ऐसे थोड़ी बता देंगे, तुम लोग कहीं पे भी खड़े हो जाते हो। चैलेंज के चक्कर में क्या क्या करना पड़ता है वो भी तुम लोगों के लिए। और तुम हो क्या यार, ना तो लाइक करते हो ना तो सब्सक्राइब करते हो। सब्सक्राइब करो यार, 2 मिलियन करवाओ। 2 मिलियन। थर्ड फ्लोर है ये ग्राउंड फर्स्ट। एक्चुअली आई एम अ ब्लॉगर, तो मैंने इतने अच्छे घर ना सिर्फ बाहर से देखे, मुझे अंदर से देखना है कि ये घर कैसे दिखते हैं अंदर से। मैं एक बार फोन पर पूछ लेता हूँ। तो मेरा भी यही कर गया। तो हम आपके फ्लोर का ले सकते हैं हाउस टूर? भाई मुझे यकीन नहीं हो रहा, 2 दिन से बहुत सारी रिजेक्शन के बाद फाइनली। हाय हाय, गेट में भी वजन है। बिजली वाली जो हमारे घर में ऐसे नंगी पड़ी रहती है बिना कपड़ों के। अच्छा अपना नाम तो बता दो। अच्छा ये इधर से सनलाइट भी आती है। ये है इस घर का सिटिंग एरिया। इसे घर क्यों बोलते हो, होटल क्यों नहीं बोलते? ये डाइनिंग टेबल पे ही वॉच लगी हुई है? नहीं नहीं उतार के रखी हुई है अभी। पसंद नहीं आई? ये है सोफा कम बेड, मन करे तो सोफा मन करे तो बेड। इसके अंदर है टीवी। तो गाइज ये है टीवी जो आपको चालू होने पर ही दिखेगा कि यहाँ टीवी है। और गाइज ये रूम है भाई का, कुशान का। कुशान ही नाम है ना? कौन सी क्लास में? 11th। तुम्हें मम्मी को पता है कि तुम ऐसे हाउस टूर करवा रहे हो? नहीं। और अगर उन्हें पता चलेगा तो डांट तक खाऊंगा मैं। ये थोड़ा छोटा, ये छोटा है होगा, अगर तुम कह रहे हो तो मान लेते कि ये छोटा है। ये इस बाथरूम को छोटा कैसे बता रहा है? दादी का रूम है। दादी का रूम काफी कूल है। ये दादी के रूम में प्रिंसेस बनी हुई है। ये है स्टोरेज एरिया। हमारा होता तो हम कमरा निकलवा देते दीवार खिंचवा के ना। ये ऐसे बंद हो जाता है। लॉकर क्यों नहीं बोलते? जूते रखने का लॉकर है ये। तो गाइस ये है किचन एरिया। तो अच्छा इसको ओपन करना हो तो ये ऐसे ओपन होता है। ये वो वाले नहीं है, टिक 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 टिक। ये माइक्रोवेव है, ये वाला है, पूरा ओपन होता है। यहाँ का थिएटर है। ये है इस घर का थिएटर जिसमें 6 लोगों का सिटिंग एरिया बनाया हुआ है। क्या ही बोलू, कितना ही खूबसूरत बोलू उतना खूबसूरत लग रहा है। नीली लाइटें जल रही है। वाले कुछ बना के तो रखते हैं अपने घर को, देख रहे हो? और कोई भी चीज रखो आप, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, और ठंडी हो जाती है अपने आप। तो वाकई बहुत ठंडा है। ड्राइंग रूम,
तो यहाँ पे कोई ड्राइंग करता है या ऐसे ही? ये है, वो आपने देखा होगा ना, आग निकल रही होती है, फिल्मों में भी देखा होगा। हाँ यही, ये है बार एरिया। ये मेरे ना डैड पीते हैं, ना मेरे चाचू पीता है, मेरी फैमिली में कोई नहीं पीता है, पिलाने के लिए रखी। लाख दो लाख की दारू तो रखी होगी हमने, ज्यादा ही है गाइस। यहाँ पे है ये डाइनिंग एरिया, मन करे तो खाना खा लिया, मन करे तो निकाल के पी ली। भाई मैं सच बताऊँ ना, इनका घर देख के मैंने चीजें नोट कर लिया अपने दिमाग में, ऐसा बेड मांगता है मेरे को। गाइज ये रूम मुझे बहुत पसंद आया भाई, वाकई में ये वाला रूम बहुत खूबसूरत बना रखा है। अभी हम लोग आ गए इस घर के टेरिस एरिया में। टंकी तो दिखाई नहीं दे रही है टेरिस एरिया पे। टेरेस कह लो, मिनी गार्डन कह लो, कैफे कह लो, जो भी कह लो, ये फाउंटेन एरिया है, बट अभी इसमें पानी नहीं आ रहा है। फोटो वोटो खींचनी हो बस यहीं अपनी रील बनाओ, यहीं फोटो खींचो। ये ऐसे बना रखा है जैसे कि मतलब कभी छत पे ही पार्टी करनी हो तो ये बार एरिया, यहीं पे अपना सामान बनाया, खाया पिया। एक स्पेशल बाथरूम छत पे भी बना हुआ है कि किसी को नीचे ना जाने पड़े, और छत पे सीसीटीवी भी लगा हुआ है। और फाइनली इतनी मेहनत करने के बाद मुझे हाउस टूर मिल ही गया, और अब मुझे ये भी समझ आ गया कि भाई ये अमीर अपना घर क्यों नहीं दिखा रहे थे, इतनी दारू जो रखते हैं घर के अंदर। तो आपको ये घर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और अगर आप करवा देते हो इस वीडियो पे पूरे 1,00,000 लाइक, तो हम जाएंगे यूट्यूबर्स के घर और उनके घर का हाउस टूर आपको दिखाएंगे। और यार इतनी मेहनत करती हूँ मैं, सब्सक्राइब कर लो यार, बोलो कर लो यार, कर लो यार, 2 मिलियन करवाओ। अब डांट पड़ेगी इसको मम्मी की।